गाइस, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो ऐसे ही डिजाइन नहीं किए जाते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे कि BMW कंपनी का लोगो मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है, वो राउंड सा लोगो जिसके बीचों बीच व्हाइट और स्काई कलर का एक कॉम्बो होता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि वो व्हाइट और स्काई कलर का कॉम्बो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली वो है एक बवेरियन फ्लैग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि BMW कंपनी जर्मनी के बवेरियन इलाके से ओरिजिनेट हुई थी, इसीलिए उनके लोगों में बवेरियन फ्लैग को यूज किया जाता है। और जिन लोगों को BMW का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें भी मैं हेल्प कर देता हूं। BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे जर्मनी में बेरिश मोटरेन वर्क्स भी कहा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानके आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आप लोग एलियंस पे बिलीव करते हो? और अगर नहीं करते तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि अगर आप लोग ये मानते हो कि एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते, ये वैसा ही है जैसा कि एक समंदर में से एक चम्मच पानी निकालना और फिर उसको देखते हुए बोलना कि इसमें कोई शार्क या व्हेल तो नहीं है। इसका मतलब समंदर में भी शार्क या व्हेल नहीं होगी। कितना ठग लाइफ स्टेटमेंट दिया था आइंस्टाइन ने। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूं कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, और अगर कहीं छोटी सी जगह पे एलियन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि यूनिवर्स में एलियंस नहीं एग्जिस्ट करते। खैर, आजकल तो सब लोग इस पे बिलीव करते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट हो गई है, लेकिन आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट तब आया था जब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड नहीं थी। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूँ। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा माँ की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। एप्पल दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में से एक। स्टीव जॉब की इस कंपनी के लोगो डिजाइन करने वाले से जब ये पूछा गया कि तुमने इसका लोगो डिजाइन कैसे किया, तो उसकी स्टोरी सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। उसने कहा कि लोगो डिजाइन करने के लिए उसने एक एप्पल का बास्केट मंगवाया और उसे आइडिया लेके लोगो डिजाइन कर रहा था, लेकिन कुछ अच्छा लोगो मिल ही नहीं पा रहा था। थक हार के उसने एप्पल का एक बाइट लिया और जब उसे ध्यान से देखा तो उसे पन्ने पर ड्रॉ कर दिया। जब उसे पन्ने पर ड्रॉ किया तो उसने सोचा कि ये आइडिया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में एक टर्म होती है बाइट, जो कि एप्पल की बाइट से थोड़ा बहुत मैच करती है। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा आइडिया और क्या हो सकता है। क्या ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज पूरी ही दुनिया में गूगल कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, जिसके पीछे की वजह है उनकी सोच। वो छोटी छोटी चीजों को भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गूगल के हेड ऑफिस में आज भी घास को काटने के लिए मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता। उनका यह मानना है कि जब मशीनों को चलाया जाएगा तो उनकी आवाज से वहां के एम्प्लॉइज डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से वहां मशीनों की जगह पे बकरियों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, गूगल के हेड ऑफिस में आज भी 200 के करीब बकरियां रखी गई हैं जो कि घास को खाती हैं। वैसे बहुत अमेजिंग आइडिया है। आपको ये फैक्ट जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, ये तो आप जानते ही हैं कि आजकल की पुलिस बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुकी है। वो पुराने जमाने आजकल नहीं रहे जब किसी गब्बर को पकड़ने के लिए पुलिस को घोड़ों पर बैठ के जाना पड़ता था। आज पुलिस के पास बड़ी बड़ी हाईटेक गाड़ियां हैं, लेकिन आज के समय में भी पुलिस ब्राजील में आपको भैंस पे जाते हुए दिख जाएगी। जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, उनका साधन एक भैंस है। कितनी अजीब लगती होगी ना, लेकिन उसके पीछे का भी एक रीजन है। जब वहां की पुलिस को अमेज़न के जंगलों में जाना होता है तो भैंस से अच्छा कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि भैंस इतनी आसानी से फिसलती नहीं है। हालांकि थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन यही सबसे अप्रोप्रिएट है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।